अल्लाह रहमान रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706/32, इसका मई जून 2020 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पी पी एल सी एट 31 दिसंबर वर एज फॉलोज, के जो पी पी एल सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट है वो ये दी हुई है कि आपको नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, उसके बाद करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं, उसके बाद कहता है टोटल एसेट्स आपके ये हो गए, और टोटल एसेट्स के बाद में इक्विटी एंड लाइबिलिटी है। इक्विटी के अंदर कहता है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो $1 का पर शेयर है, और $1 पर शेयर का मकसद ये हुआ कि अगर ये 300,000 आपके डॉलर के अंदर अमाउंट दी हुई है, तो इसका मकसद है नंबर ऑफ शेयर्स भी 300,000 ही है, क्योंकि पर शेयर जो है, हर शेयर आपका कितने का है, $1 का है। तो उसके बाद शेयर प्रीमियम दिया हुआ है। शेयर प्रीमियम किसे कहते हैं? शेयर प्रीमियम का मकसद है कि आपने शेयर की जो ओरिजिनल प्राइस $1 थी, इससे ज़्यादा वैल्यू के ऊपर जब आप शेयर मार्केट के अंदर बेचेंगे तो क्या होगा, उसको शेयर प्रीमियम कहते हैं। जब कंपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही होती है, वो जितनी भी पीएलसीज हैं इनके नॉर्मली जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग हो रहे होते हैं, तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके शेयर की वैल्यू बेहतर होगी, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसकी शेयर की वैल्यू कम होगी। तो डेफिनेटली इसने प्रीमियम के ऊपर बेचे हैं। ये शेयर प्रीमियम है, ये कैपिटल रिजर्व नेचर की चीज़ होती है, और नॉर्मली इसको इक्विटी के अंदर प्रेजेंट करते हैं। रिटेंड अर्निंग तो आपको पता है कि जो पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसके अंदर जितनी भी इनकम है वो सारी रिटेंड अर्निंग के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और फिर रिटेंड अर्निंग से डिविडेंड की पेमेंट हो गई या रिजर्व के अंदर आपको ट्रांसफर करना है तो आपने वो कर दिया। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर बैंक लोन है। बैंक लोन आपके पास 2018 के अंदर नहीं था, 2019 के अंदर बैंक लोन है $80,000 का। करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं, करंट लाइबिलिटीज़ के बाद में टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आपको दे दी हैं। उसके बाद कहता है अदर पेबल इंक्लूड्स द फॉलोइंग, के अदर पेबल के अंदर ये दो चीज़ें शामिल हैं। अदर पेबल क्या है? ये अदर पेबल आप देख रहे होंगे, ये वाली फिगर जो आपको नज़र आ रही है, इसका इसने ब्रेकअप आपको दे दिया। इसका ब्रेकअप ये है कि एक्रूड एक्सपेंसिज हैं, वो एक्सपेंसिज जो ड्यू तो हो गए लेकिन अभी तक आपने उनकी पेमेंट नहीं करी। तो 2018 के अंदर $3,400 के थे, 2019 के अंदर कम हो गए। कम का मकसद है कि फिर आपने पेमेंट कर दी होगी इसकी, और एक्रूड इंटरेस्ट का मकसद है कि ये बैंक लोन आपको नज़र आ रहा होगा नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, बैंक लोन इसका इंटरेस्ट बेसिकली आपने पे किया, और आप देख रहे हैं शुरू के अंदर था ही नहीं 2018 के अंदर, क्योंकि बैंक लोन था ही नहीं, तो इसलिए इसका इंटरेस्ट भी नहीं था 2019 के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इज एज फॉलोज, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अ मोटर व्हीकल विद नेट बुक वैल्यू ऑफ $7,000 वाज सोल्ड फॉर $8,300, कि एक मोटर व्हीकल जो है वो $7,000 की उसकी बुक वैल्यू थी और उसको आपने $8,300 के अंदर बेच दिया। तो लेट्स सी मोटर व्हीकल है कितने की। मोटर व्हीकल शुरू में 136,000 की थी, 136,000 की मोटर व्हीकल थी, 7,000 की बुक वैल्यू की मोटर व्हीकल आपने बेच दी। आप देख रहे हैं इसके अंदर इसने लिखा है कि 7,000 की बुक वैल्यू, 8,300 का मकसद है 1,300 का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है $1,300 का। और उसके बाद हम यहाँ जब आते हैं तो 7,000 की ये बुक वैल्यू थी इसकी, 136,000 माइनस $7,000, 129,000। ये $129,000 के अंदर से एंडिंग क्या बचा है इसका, 2019 के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कम वैल्यू है, कितनी है $90,000। तो $90,000 का मकसद है ये $39,000 जो है ये फिर डेप्रिसिएशन आ गया, क्योंकि देखें रिडक्शन इन वैल्यू जब आप यूज करते हैं नॉन करंट एसेट्स को, तो नॉन करंट एसेट्स को यूज करने के अंदर
उसकी लाइफ भी कम होती है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। जब इनकी लाइफ कम होती है तो इनकी वैल्यू के अंदर भी रिडक्शन आती है, और वैल्यू में जो रिडक्शन आती है उसको हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने देखा कि एक्चुअली 136,000 की स्टार्ट में मोटर व्हीकल की वैल्यू थी, 7,000 की नेट बुक वैल्यू आपने बेच दी, चले उसको माइनस कर देते हैं तो $129,000 बचना चाहिए था, लेकिन बचा नहीं, वो 90,000 बचा है। तो इसका मकसद ये बीच का डिफरेंस कहाँ चला गया, वो फिर डेप्रिसिएशन है, तो इसको जहन में रखिएगा। एडिशनल मशीन कॉस्टिंग $180,000 वर परचेज के, एडिशनल एक मशीन थी $180,000 की, उसको परचेज किया, तो एडिशनल $100,000 की, $180,000 की आपने परचेज करी, $180,000। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसके पास आपके पास शुरू के अंदर $225,000 था, इसमें प्लस कर दिया $180,000 आपने, जो आपने एडिशनल प्लांट मशीन खरीदी, तो $225,000 प्लस $180,000 यू गेट $405,000। इसके अंदर से जो एंडिंग है आप देख रहे हैं कितना बाकी बचा आपके पास, माइनस कर दें इसमें से 344,250। जब आपने इसको माइनस किया, क्योंकि ये एंड में ये बाकी बच रहा है, माइनस 344,250 यू गेट 6,750। तो 60,750 डॉलर आपके पास है, इसका डेप्रिसिएशन आ गया। आपने देखा कि सिंपल हमने इनकी वैल्यूज को लेके इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, और बीच का डिफरेंस लेके मोटर व्हीकल के अंदर बिकी थी और प्लांट एंड मशीनरी में एक आपने खरीदा था, तो इम्पैक्ट लेके एंडिंग से जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि वैल्यू कम हो रही है, एंड रिडक्शन इन वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं किसी नॉन करेंट एसेट्स को, वो फिर डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस है, $4,800 वर इनकर्ड के, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअली $4,800 इनकर्ड हुए थे। तो इनकर्ड होने का मकसद क्या हुआ कि टोटल जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस गया आपके पास, वो फिर $4,800 आपका गया। ये इनकर्ड का मकसद है कि इस साल के अंदर इनकर्ड हुए, पेमेंट की बात नहीं कर रहा है, कहता है ये एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। याद रखिएगा कि जो इनकर्ड होता है जिस साल के अंदर, उस साल के अंदर फिर उसका मकसद है उसकी पेमेंट जो है वो एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। पेमेंट तो अगर हम देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है पूरे साल का इंटरेस्ट 4,800 था, और अदर पेएबल, पेएबल का मकसद है $2,600 स्टिल पेएबल है, तो 4,800 माइनस 2,600, उसका मकसद है आपने पेमेंट जो करी है वो इंटरेस्ट की कम करी है। एनी हाउ ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब इनकट का, जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब इनकट का लफ्ज़ लिखा हुआ हो तो समझ लीजिएगा ये साल का एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। दैट इज द पॉइंट। टैक्स चार्ज चार्ज वॉज $3,100, और टैक्स जो लगा आपकी इनकम के ऊपर वो $3,100 था। एन इंटरम डिविडेंड ऑफ 0.08 पर शेयर वॉज पेड इन अगस्त 2019, 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 300,000। आप पूछेंगे कहाँ से आए 300,000? मैं समझा के आया था कि इक्विटी के अंदर जो शेयर पेबल वो आपको दे रहा है, देख रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 300,000, $1 का पर शेयर है, तो 300,000 ही शेयर्स आपके हुए, तो 300,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.08 वट यू गेट 24,000। तो $24,000 का डिविडेंड आपने पे करा, ये जहन में रखिएगा पढ़ते हुए चीजें, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आपकी समझ आ रही होंगी। नंबर ए में कहता है स्टेट द यूजफुलनेस ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज टू पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, के जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, पोटेंशियल का मकसद है वो अभी जो शेयर होल्डर्स बने नहीं हैं लेकिन जो बनेंगे, पोटेंशियल है उनके अंदर के वो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट्स बताइए क्या है। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं,
आप अक्रूवल्स भी कर रहे होते हैं, आप उसके बाद डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बैड डेट्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और डिफरेंट और डेफर्ड टैक्सेशन वगैरह भी उसके अंदर आ जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट से जो फिगर निकलती है, जो नेट प्रॉफिट और नेट नेट लॉस है, वो एक्चुअली कैश नहीं होता आपका, वो तो फिर डिफरेंट है, उसको रिकन्सिलिएशन बनानी पड़ती है। क्योंकि कैश जो आपके पास बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक या कैश जो आपके पास है, वो कभी भी रिकनसाइल नहीं होगा आपकी इनकम स्टेटमेंट से जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है। बिकॉज इनकम स्टेटमेंट एक डिफरेंट, वो अक्रूवल अकाउंट अक्रूवल कंसेप्ट के तहत बनाई जाती है। अक्रूवल कंसेप्ट का मकसद है कि एक्सपेंसेस अगर ड्यू हो गए हैं तो उनको रिकॉर्ड कर दें, और इनकम अगर अर्न कर ली है तो उसको रिकॉर्ड कर दें, वेदर पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो ये आपको कभी नहीं बताते कि जो बिजनेस है उसकी कैश फ्लो जनरेट करने की जो एबिलिटी है वो कितनी है। वेयर एज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फिर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कन्वर्ट करता है आपकी तमाम चीज़ों को, और उसे देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि इस बिजनेस की कैश फ्लो जनरेट करने की एबिलिटी कितनी है। कैश फ्लो डिफरेंट तरीके से जनरेट होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कुछ आप बिजनेस कर रहे हैं उससे आपने कितना कैश जनरेट किया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपकी कितनी है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से कितनी आपके पास फाइनल कैश जनरेट हो रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ आप कर रहे हैं, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये तीन किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो नॉर्मली इट्स ए वेरी गुड स्टेटमेंट जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं। जैसे मैं अगर किसी कंपनी के शेयर अगर खरीदना चाहूँ, या आप अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहें, तो इनकम स्टेटमेंट, हम सबसे पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, हमें इनकम स्टेटमेंट मिलेगी, हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको मिलेगी वहाँ पे, आपको डिस्क्लोजर नोट्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे जो एक्सप्लेनेशंस आपको दे रहे होंगे, डिफरेंट किस्म की ऑडिटर की रिपोर्ट आपको उसके अंदर नज़र आएगी, और उसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंपलसरी है कि वो भी कंपनीज के लिए, जितनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं कि उन्हें ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो वो फिर बना के आप क्या करेंगे, आप इनकम स्टेटमेंट देखने के बाद में फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जाकर देखेंगे कि ओवरऑल कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, इस कंपनी की कैश जनरेटिंग एबिलिटी कितनी है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से जो इनकम आ रही होती है वो फिर रिफ्लेक्ट नहीं करती सही बिजनेस की पोजीशन को, क्योंकि वो डिफरेंट पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के साथ हम उसको बना रहे होते हैं, और एक कंसेप्ट हमारा डिफरेंट होता है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा। तो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज दे नो उसे देखने के बाद में कि ये बिजनेस जा किधर रहा है। एक्चुअली तो इट्स ऑल अबाउट कैश, कैश नहीं है आपके पास तो एवरीथिंग इज, कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। आप इनकम लाख दिखा दें, आपको वर्कर्स को सैलरी पे करने के पैसे ही नहीं है आपके पास, बिजनेस बंद हो जाएगा। आपके पास सैलरीज पे करने के पैसे नहीं है, इसके अलावा आपके जो जो बिल्स आ रहे हैं, जो यूटिलिटी जो एक्सपेंसेस वगैरह आप कर रहे हैं उसकी पेमेंट्स के पैसे नहीं है, क्रेडिटर से जो माल खरीदा वो पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट कैश, कि बिजनेस जो है वो कैश कितना कमा रहा है, कैश इनरिच है या नहीं है, ये इसकी चीज़ें थी। हम यहाँ देखते हैं ताकि आपकी समझ आ जाए। ये इन्वेस्टर्स कैन बेटर अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू जनरेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू रेज कैश फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, तीन एक्टिविटीज़ होती हैं मैंने आपको बताया। तो बिजनेस की एबिलिटी कितनी है, बिजनेस क्या कैश जनरेट कर सकता है एक्सटर्नल सोर्स से, बैंक से लोन उसको मिल सकता है, तो ये एबिलिटी भी पता चलती है। द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लोज, के कैश फ्लो के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं ये उसको पता चल जाता है। वेदर द बिजनेस कैन जनरेट इनफ कैश टू बाय नॉन करंट एसेट्स, बैंक टैक्स एंड डिविडेंड, के बिजनेस इस लायक है कि वो इतना कैश जनरेट कर रहा है कि टैक्सेस पे कर सके, डिविडेंड, अगर मैं शेयर होल्डर शेयर्स खरीद रहा हूँ किसी कंपनी के, मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिजनेस चलाने के लिए नॉन करंट एसेट्स जो चाहिए वो मैं खरीद भी सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ। तो ये एबिलिटी भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज मोर ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैश रिसीव्ड
एंड पेड अनलाइक इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन विच इन्वॉल्व अकाउंटिंग पॉलिसीज वेर एज सम आइटम्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, के अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर तो एस्टिमेशन है। आई कैन गिव यू एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ बैड डेट्स एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन खुद एस्टिमेशन है कि आपको नहीं पता, बहुत सारे एसेट्स हैं जिनकी लाइफ आप कैलकुलेट करते हैं 5 साल 10 साल 5 ईयर्स 10 ईयर्स, लेकिन वो फिर अब 20 20 ईयर्स चल रहे होते हैं। नॉर्मली कंपनीज में जो ऑटोमोबाइल है, जो मोटर व्हीकल है, इसकी लाइफ 5 ईयर्स होती है, लेकिन ये मोटर व्हीकल 5 ईयर्स में ख़राब तो नहीं हो जाती पूरी की पूरी, ये तो फिर 10 साल चल रही होती है, 10 ईयर्स चलती है, 15 ईयर्स चलती है। तो इट्स एन एस्टिमेशन जिसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं बाद में जाके। तो एनी हाउ द पोजिशन इज़ दैट कि ये आपने देखा कि इसकी यूजफुलनेस है इनकी जो आपने पढ़ी। आगे आते हैं, कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए देखिए दिया हुआ इसने कुछ भी नहीं है आपको, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ इसने आपको दी है, वो है रिटेन अर्निंग। जैसा कि मैंने बताया था कि रिटेन अर्निंग क्या चीज़ होती है, रिटेन अर्निंग का मकसद ये होता है कि रिटेन अर्निंग जो है वो जितनी भी इनकम होती है जो हम जनरेट करते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आती है, नेट प्रॉफिट और नेट इनकम और नेट लॉस, वो रिटेंड अर्निंग में ट्रांसफ़र होता है और रिटेंड अर्निंग से फिर पेमेंट हो रही होती है चीज़ों की। तो रिटेंड अर्निंग के मूवमेंट से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। और उसके अलावा देखें, ये पूछ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मकसद है दो चीज़ें इसके अंदर आएंगी, एक तो इंटरेस्ट है जो आपका बैंक लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, इसको याद रखिएगा, ये ऑपरेशन का पार्ट नहीं बनता। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो कुछ आ रही होती है उसके नीचे फिर दो चीज़ें हम नॉर्मली आपके एग्जाम्स की हद तक आती हैं, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है टैक्स। तो ये दो चीज़ें जो भी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन होती है तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में से ये दो चीज़ें जो है हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। तो इंटरेस्ट एंड टैक्स को याद रखिएगा। तो बाकी रिटेन अर्निंग के मूवमेंट से आप ये निकाल लें, कोई मुश्किल नहीं है। रिटेन अर्निंग देखें, सबसे पहले 2019 आपको दी हुई है, तो आप 18 से भी शुरू कर सकते हैं। आप सिंपल ये कर लें कि 2018 के 18 से शुरू करते हैं, चलें 18 जो है वो 88,200 था, और ये 19 में हो गया 61,700। इसका मकसद ये तो और माइनस में चला गया। अब आप कहेंगे भाई ये तो माइनस में चला गया तो फिर अब क्या होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। 88,200 माइनस 61,700, ये माइनस आ गया है। आपने देखिए डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड आपने रिटेन अर्निंग से पे करा होगा। अब रिवर्स कैलकुलेट कैलकुलेशन कीजिएगा। रिवर्स कैलकुलेशन करने का मकसद है जो चीज़ें आपने माइनस करी हैं उनको आप प्लस कर दें ताकि आपको ये पता चल जाए कि इनकम कितनी ट्रांसफ़र हुई थी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये आपने आपने डिविडेंड जब पे करा था तो रिटेन अर्निंग को डेबिट किया होगा। डिविडेंड कितना पे किया है आपने, देखिए 24,000 ये डिविडेंड पे किया था आपने, तो 24,000 डिविडेंड जो है वो प्लस में लिख दें आप उठा के। और क्योंकि ये नेट इनकम थी, इस नेट इनकम में से दो चीज़ें हमने जो है वो माइनस करी थी। दो चीज़ें कौन सी माइनस करी थी हमने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में से दो चीज़ें माइनस की थी हमने, और वो दो चीज़ें क्या थी हमारे पास, टैक्स और इंटरेस्ट जो मैं बता के आ रहा हूँ। तो वो उन दो चीज़ों को भी आप इसके अंदर ऐड कर लें और देखें टैक्स चार्ज आपको दिया हुआ है और इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था। टैक्स चार्ज सवाल के अंदर खुद दिया है उसने आपको, ये देख रहे होंगे टैक्स चार्ज। इंटरेस्ट मैंने जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि भाई ये 4,800 इंटरेस्ट है। ऊपर वाले के अंदर आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है ये तो पेबल की मूवमेंट दिखा रहा है। सिंपल जो इस साल का एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में गया था 4,800 गया था, तो ये 3,100 टैक्स,
ये आपने माइनस किया था, इसको प्लस कर लें, और डिविडेंड और सॉरी जो आपका इंटरेस्ट था 4,800। तो ये देखें, ये इनको क्यों कर रहे हैं, डिविडेंड को क्यों प्लस कर रहे हैं, टैक्स को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपने माइनस करी थी एक्चुअली। डिविडेंड भी रिटेंड अर्निंग से माइनस किया था, तो आपको यहां तक जब आप जाएंगे तो नेट इनकम आ जाएगी आपकी, और नेट इनकम के अंदर से ये चीजें आप जब जब आप माइनस कर कर आए डेफिनेटली, सब बल्कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो था, ऑपरेशन से माइनस करके आपने नेट इनकम निकाली है, तो इन दोनों को वहां आपने माइनस किया था, इसलिए प्लस कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली वो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है। मैं बात ये बात समझिएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, अगर ये नेट इनकम पूछ रहा होता तो मैं यहीं रोक देता है इसको, इस 24,000 के ऊपर जो डिविडेंड की अमाउंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। 26,500 में से माइनस करा 24,000 और माइनस करा 3,100, बल्कि 4,800 प्लस 3,100 प्लस 24,000, इन तीनों को प्लस कर लें क्योंकि ये तीनों ज़्यादा हो जाएंगे आपके, और इसमें से माइनस कर दें 26,500, तो व्हाट यू गेट 5,400। ये 5,400 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, ये देख रहे होंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इसने सिंपल आपको ये जो पॉजिटिव वाली चीज़ें थी, इसने इस तरीके से कर दिया है कि रिटर्न अर्निंग ओपनिंग जो थी वो ये माइनस करी, ये एंडिंग वाले को, एंडिंग को और इन तमाम चीज़ों को प्लस करके दिखाया, ओपनिंग को माइनस कर दिया। मैं ओपनिंग से लेके चला हूँ, जो मैंने आपको समझाया है इसको इस तरीके भी किससे भी कर सकते हैं कि जो ओपनिंग वाले को आप माइनस कर दें, एंडिंग को प्लस करके, बाकी ये तीन चीज़ें देखें वही है, एक डिविडेंड है, एक टैक्स चार्ज है, एक इंटरेस्ट है, इसको प्लस में दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअली वी आर एडिंग एडिंग देम बैक, हम उसको एड बैक कर रहे हैं ताकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तक पहुँचें। तो दैट इज़ द पॉइंट, जो आपकी मर्जी समझ में आए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ओपनिंग से भी ले जाके कि उसकी लॉजिक क्या है, और जैसे इसने एग्जामिनर ने दिया है ऐसे भी आप कर सकते हैं, बात वही है। चलें जी, अब आ जाए आगे, आगे क्या पूछता है आपसे, आगे पूछता है प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस टू द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश यूज्ड इन ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। कि एक्चुअली आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कैश कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है आपको, तो कहता है कि रिकंसिलिएशन बताइए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन से आपने कितना जनरेट किया। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट करने के लिए देखें, एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा, कि ये भी इनकम स्टेटमेंट की हम कर रहे होते हैं, और इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी आपने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए नॉन कैश एक्सपेंसेस, जितने भी नॉन कैश कैश एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे आप क्या करें, एड बैक कर लें। इसी तरीके से नॉन कैश इनकम, ये जो इनकम तो हो रही है आपकी, कैश तो अलग आपने रिसीव किया, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर डिस्पोजल हमारा हुआ था मोटर व्हीकल का, तो मोटर व्हीकल के डिस्पोजल में 1,300 हमने देखा था कि प्रॉफिट हुआ है, वो हमने यहाँ लिखा होगा लाके, इनकम स्टेटमेंट में प्लस किया होगा अदर इनकम में लाके। एक्चुअली कैश तो नहीं आया, कैश जो आया वो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के अंदर चला गया। तो ये वो आइटम है जो इनकम स्टेटमेंट में हम शो तो कर रहे हैं, लेकिन ये का कैश जो है वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं आया, इसलिए उसको भी फिर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको एड बैक कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और जिनको प्लस किया है उनको माइनस कर देते हैं। ये दो कंसेप्ट हैं इसके, याद रखिएगा। उसके बाद फिर कुछ मूवमेंट्स होती है करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ की, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़, जितने भी करंट एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो इनके साथ क्या करेंगे, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है आपका, तो उस सूरत के अंदर आप क्या करेंगे कि इसको यूं ही कर लें कि करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा,
इंक्रीज होगा करंट एसेट्स तो इसे माइनस कर दें, और डिक्रीज होगा तो इसको प्लस कर दें। मैंने इसकी लॉजिक भी वो प्रीवियस आप लेक्चर देख लीजिएगा, के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था इसको कि क्यों करते हैं एक्चुअली। वो लेक्चर देखें ताकि आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर ये समझ लें सिंपल कि करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस कर दें, और अगर डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स तो उसको क्या करें, प्लस कर दें। करंट लाइबिलिटीज़ में बिल्कुल उल्टा कर दें कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको प्लस कर दें, और ये डिक्रीज़ हो रही है तो इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये इसकी पेमेंट हो रही होगी। तो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ का ये फार्मूला आप याद रखें कि करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे, करंट एसेट्स में अगर डिक्रीज़ हो रहा है लाइक रिसीवेबल अगर डिक्रीज़ होगा तो पैसा आपके पास आएगा। तो इस लॉजिक के तहत इसको हम कर देते हैं, करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस करें क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। तो ये अगर आपके पास चार चीज़ें आपके दिमाग में हैं तो लाइफ आपकी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। ये कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आपने निकाला था, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के बाद डेप्रिसिएशन आप कहेंगे 99,750, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है, क्या एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन इसकी पेमेंट आप कहीं नहीं करते। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल मैंने कहा था कि जो प्लस कराया आइटम उसको माइनस करें, तो देखें ये माइनस में लिखा हुआ 1,300 आपको याद होगा कि जो 7,000 की जो मोटर व्हीकल थी वो 8,300 के अंदर हमने बेची, तो 1,300 का आपके पास ये आ गया। तो देखिए 1,300 ये आपने यहाँ देख लिया, और ये जो 99,750 है वो कहाँ से आया है इसको देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन देखें जब हमने निकाला था, ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करके आ रहा था, तो एक 39,000 का डेप्रिसिएशन हमने निकाला था और एक 6,750, दो थे, मोटर व्हीकल का ये था प्लांट एंड मशीनरी का ये था, इन दोनों को प्लस कर दें, 39,000 मोटर व्हीकल का एंड 6,750 ये प्लांट एंड मशीनरी का, 99,750 ये जो 99,750 है ये इस तरीके से दोनों का प्लस करके वो लेकर आया है। तो आपकी समझ आ गई होगी, जब ये दो आइटम्स आपके पास इनकम स्टेटमेंट के थे, ये आपने लिख लिए के बाद कुछ भी नहीं है इनकम स्टेटमेंट का। फिर आ जाए करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज में, करंट एसेट्स के अंदर देखें इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी क्या हुई है, कम हुई है, आप देख रहे हैं 44,600 से कम होके 34,650 आ गई, तो 9,950 से कम हो गई। और मैंने कहा था कि करंट एसेट्स में अगर कमी आएगी तो उसको प्लस कर देते हैं, देखें डिक्रीज इन इन्वेंट्री आप देख रहे हैं प्लस हो रहा है ये। इसके बाद आ जाए ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 38,900 से माइनस होके ये इंक्रीज हो गया, -49,700 बढ़ गया, तो 10,800 और बढ़ेगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करंट ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, इसका मकसद हुआ कि ये कैश फ्लो आपके पास से एक्चुअली नेगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है, आपने इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कर दिया उठा के। ये फिर अगेन आई वुड से कि जो प्रीवियस मेरा लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, अगर कुछ चीज़ यहाँ समझ नहीं आ रही तो फिर वहाँ से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड से मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद इंक्रीज ये आपके पास हो गया ये, उसके बाद आ जाए करंट एसेट्स खत्म हो गए, कैश को नहीं लीजिएगा कभी भी, कैश को और बैंक ओवरड्राफ्ट को कभी नहीं लीजिएगा, कैश को एसेट्स में नहीं लीजिएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी में नहीं लीजिएगा। करंट लायबिलिटी की पोजीशन देख लें क्या है, ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल बढ़ गया देखें 20,100 से 21,600 हो गया, तो 15,1500 से बढ़ा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैंने कहा था प्लस कर दें, ये प्लस हो गया, और अदर पेबल के अंदर हम ये बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने कहा था छोड़ दीजिएगा, इसको हटा दें। अदर पेबल का ब्रेकअप है, ब्रेकअप के अंदर ये दो चीज़ें जो इंटरेस्ट और टैक्स पेबल ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसको फिर आप शामिल नहीं कीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का मकसद है कि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ लेकर जाएंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो कितना रिडक्शन हुआ, 3,400 से
माइनस होके 1100, तो 3400 माइनस 1100 2300 से रिडक्शन, और रिडक्शन मैंने कहा था आपको कि आप प्लस कर लीजिएगा, देखिए 2000 बल्कि डिक्रीज हो रहा है तो इसको माइनस कर दें क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी 2300 कैसे आया ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों की मूवमेंट से आया। इन दोनों को क्यों नहीं लेंगे ये मैंने समझाया था क्योंकि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर रहा है, इसलिए ऑपरेशंस के अंदर नहीं आएंगे, नीचे आएंगे, इसीलिए देखें ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमने बेसिकली करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की मूवमेंट से और इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो नॉन कैश आइटम्स थे उनकी उनकी एडजस्टमेंट करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमने निकाल लिया, ये आपके पास आ गया। इनको प्लस माइनस कर लें तो ये फिगर आ जाएगी आपके पास 5400 एक प्लस का है, 99750 को प्लस करें, 9950 को प्लस करें, 1500 को प्लस करें, और माइनस जो है आपके पास प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स था, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस था क्योंकि करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो माइनस करेंगे, और डिक्रीज इन एक्रूड पेएबल, लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई तो उसको फिर आपने माइनस कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मकसद है कि आप पेमेंट कर रहे हैं। ये आपके पास आ गया, फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, आगे क्या मांगता है आपसे वो देखते हैं। कहते हैं प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एक एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 शोइंग द नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना जनरेट किया आपने और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आपने कितना जनरेट किया। तो ऑपरेशन आपने निकाल लिया था, ये आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए अब दो एडजस्टमेंट हैं इसके अंदर, एक तो ये कि जो आपने नेट कैश फ्लो जो आया उसमें से टैक्स आपने कितना पे किया और एक्चुअली इंटरेस्ट आपने कितना पे करा। तो ये दो चीजें होती हैं जो कैश फ्लो फ्रॉम, आप याद रखिएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो भी आपके पास फिगर आए उसमें से नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंचने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यार जो भी आपने ऑपरेशन से कमाया उसमें से दो ही चीजें होंगी आपकी, एक तो टैक्स पे होगा और एक इंटरेस्ट पे होगा, बाकी इनकम जो है रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगी। टैक्स आपको $5,200 नजर आ रहा है यहाँ पे, आप कहेंगे $5,200 कैसे आ गया भाई, हमारे पास तो सिर्फ $3,100 था। टैक्स देख रहे हैं $3,100 था, लेकिन जो पेमेंट आपने करी वो कहाँ से निकालेंगे, तो वो देखें यहाँ आपको बता रहा है वो इंटरेस्ट टैक्स पेड, टैक्स आपके चार्जेस जो हैं वो 3100 थे। अब मूवमेंट्स यहाँ देख लें सिर्फ कि क्या है, टैक्स पेड देखें यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब टैक्स पेड अगर मैं देखूं तो 5200 एक लाइबिलिटी थी, अगर इसका लेजर बना ले टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ये लाइबिलिटी है क्योंकि पेएबल देख रहे हैं अदर पेएबल था, तो बैलेंस डीडी $5,200 बैलेंस था, और ये बैलेंस सीडी कितना है, बैलेंस सीडी का मकसद है एंडिंग, वो 3100 है, 3100। चार्जेस का मकसद कितना हुआ, चार्ज भी इस्तेफाक से 3100 ही है, तो टैक्स पेएबल जो है वो आपके पास 20 साल का चार्ज है, टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, तो पेएबल आपने 3100 से ये करा, टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट और टैक्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया। हम ये लाइबिलिटी का लेजर बना रहे हैं तो पेएबल को आपने डेबिट किया, तो अब इसके अंदर क्या आ गया आपके पास, अगर हमें देखो 5200
और इस साल का जो लाइबिलिटी थी 3100 है, तो 8300 ये हो गया, 8300 इसका भी टोटल आना चाहिए। इसका मकसद ये हुआ कि इस साल जो आपने टैक्स पे करा बैंक, वो $5200 वही जो ओपनिंग बैलेंस था ये वाला, ये आपने पे कर दिया। लेजर से भी मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि ये लाइबिलिटी का लेजर है, तो 5200 का ओपनिंग बैलेंस था क्रेडिट साइड पर आ गया, और जो एंडिंग बैलेंस था वो डेबिट साइड के ऊपर आ गया, क्योंकि लाइबिलिटी का जो एंडिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड पर आता है। उसके बाद आपने क्या करा कि यही 5200, क्योंकि लेजर आपके क्रेडिट साइड पे $8300 है, डेबिट पे भी $8300 आना चाहिए। तो इसका मकसद है लाइबिलिटी जब टैक्स पे करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, पेएबल को डेबिट करते हैं, टैक्स पेएबल को बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो हमने टैक्स को डेबिट किया होगा $5200 से, ये हमने लेजर की मदद से निकाला, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ $5200 आपको नजर आ रहा है। ये एक्चुअली आपने टैक्स की पेमेंट करी है और कैश आपका कम हुआ है। यहाँ से इंटरेस्ट आ जाए, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कितना पे करा आपने, तो इंटरेस्ट आप देख रहे हैं कि लाइबिलिटी 2600 बाकी बची। मैंने आपको बताया था कि 4800 माइनस 2600, ये मैं जब यहाँ समझा रहा था आपको तो देखें यहाँ यही समझा रहा था कि इंटरेस्ट ये कहता है पूरे साल का कितना है, 4800, ये 4800 आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा था। लेकिन ये लाइबिलिटी जो कहता है टोटल जो है 2600 का एक्रूड इंटरेस्ट ये पेएबल है ईयर एंड पे, तो अगर ये सिर्फ पेएबल है तो बाकी कहाँ गया, बाकी फिर आपने पे कर दिया जो आपको ये $2200 यहाँ लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो $2200 में से ये दो माइनस कर दें आप दो चीजें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। अब आ जाते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में क्या होता है, फाइनेंसिंग के अंदर लोन हो गया आपका, अगर आप लोन जनरेट कर रहे हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज आपकी जनरेट हो रही है, डिबेंचर आप अगर इशू कर रहे हैं, तो फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। या डिविडेंड वगैरह पे कर दिए हैं, शेयर्स, यानी पैसा एक्सटर्नली आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आप सिंपल ये समझे, कैश जनरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्स, या फिर इसके अंदर जो एक्सटर्नल रिसोर्स से जो आपने पैसा जनरेट करा उसके ऊपर उसको डिविडेंड या इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो नॉर्मली फिर इंटरेस्ट को, यहाँ इंटरेस्ट को हम ऊपर एडजस्टमेंट करके दिखा देते हैं क्योंकि इसकी पेमेंट हो रही होती है, डिविडेंड वगैरह की जो मूवमेंट्स हैं फिर यहाँ हम शो करते हैं लाके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो डिविडेंड हो गया आपकी, आपके शेयर्स अगर इशू हो रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। और अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, देखिए लोन आपके पास था नहीं स्टार्ट में, 80,000 का लोन आपने जनरेट किया लिया, तो ये पहली एक्टिविटी तो ये आएगी कि लोन आपने लिया है और फिर डिविडेंड आपने 24,000 का पे करा। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कोई भी नहीं है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं जो आपने मोटर व्हीकल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, जो नॉन करेंट एसेट्स वगैरह हम खरीदते हैं वो फिर हम कहाँ दिखाते हैं, कहाँ शो करते हैं हम ले जाके, वो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर शो करते हैं जहाँ हमने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इसने इन्वेस्टिंग मांगी नहीं थी, फाइनेंसिंग मांगी थी, तो फाइनेंसिंग में इसने शेयर्स भी इशू नहीं करे कोई, आप देखें शेयर्स इशू नहीं हुआ है, सिर्फ डिविडेंड पे कराए और बाकी लोन है। तो शेयर्स और लोन या डिबेंचर, नॉर्मली ये फिर चीज़ें जो हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ रही होती हैं। और इस तरीके से आपने ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी निकाल ली, तो ये आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आ गया। अगला देखें क्या कहता है, लास्ट जो आया था उसके अंदर आई थिंक तीनों ही थे, देख लीजिएगा आप लोग जाके, तो ये खैर रिपीट होता रहेगा, हम इसको और करते रहेंगे, तो कीप प्रैक्टिसिंग, इंशाल्लाह ये कंसेप्ट्स आपके अगर कुछ रह भी गया आगे पीछे तो सही हो जाएंगे कुछ अरसे में। ड्यूरिंग ए डायरेक्टर्स मीटिंग इन अप्रैल 2020 वन ऑफ द डायरेक्टर्स सेड वी हैव टू मेक आवर शेयर होल्डर्स हैप्पी, कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को हैप्पी रखना है,
इवन दो द बैंक ओवरड्राफ्ट हैज इंक्रीज्ड, कि बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, आपने सवाल में देखा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, देखते हैं क्या हुआ है, देख रहे हैं यहाँ था ही नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, उसके बाद भी डायरेक्टर कहता है कि भाई पैसा उसको खुश रखें, सिंस 31st December 2019 वी विल हैव टू पे कैश डिविडेंड फॉर 2020 टू आर शेयर होल्डर्स, कि हमें यह कैश डिविडेंड देना चाहिए, ऑल द डायरेक्टर्स एग्रीड विद दिस व्यू, वो सब एग्रीड हो गए उसके व्यू से, डिस्कस वेदर और नॉट इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर PPLC टू पे आउट कैश डिविडेंड टू 2020, हो सकता है डायरेक्टर्स जो हैं इन्होंने इनके जानने वालों ने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हों, क्योंकि अगर शेयर्स उन्होंने खरीदे होंगे जानने वालों ने तो फिर फायदा है इनका, क्योंकि उन्हें डिविडेंड मिल जाएगा, तो शायद इसीलिए सारे के सारे एग्री भी हो गए कि भाई ठीक है दे देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, आप ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट आपकी पोजीशन चल रही है तो इट्स नॉट नेसेसरी, एक्चुअली आपको बिजनेस रन करना है, शेयर होल्डर्स की लॉन्ग टर्म जो वेल्थ है, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ आपको बढ़ानी है शेयर होल्डर्स की, और ये कहीं नहीं है कि आप उनको ये पैसा देंगे डिविडेंड की सूरत में, पेइंग आउट कॉन्स्टेंट डिविडेंड मे स्ट्रेंथन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, उसका जो पॉइंट था कि अभी अगर हम शेयर्स देते रहेंगे डिविडेंड देते रहेंगे तो फिर हमारे मजीद भी जो है वो वैल्यू शेयर्स की बढ़ेगी और मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों को ये पता चलेगा ये कंपनी डिविडेंड देती है, प्रॉफिट देती है, चाहे नुकसान में हो चाहे उसकी बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा हो, ये डिविडेंड देती है, तो फिर लॉन्ग टर्म के अंदर कभी भी बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा जाके, क्योंकि वो पैसा है जो आपको यूज करना है बिजनेस में वो आप जो शेयर होल्डर्स को दे देंगे, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर कोई वन मैन शो है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप अगर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस अगर पैसा डिमांड कर रहा है कि आपको चीज़ें खरीदनी है, आप जाती खर्चे के लिए पैसा निकालते रहें तो क्या होगा आपके बिजनेस का हाल, तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, द सेम हैपन्स विद द कंपनी, तो बात तो सही है कि जी आप पेइंग आउट कॉन्स्टेंट डिविडेंड, आप कॉन्स्टेंट डिविडेंड देते रहें तो मार्केट में उसकी वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगी, उसके बाद प्रीपेयर कैश पोजिशन, प्रॉपर कैश पोजिशन, बैंक ओवरड्राफ्ट $8,500 एट 31st December 2019 हैज इंक्रीज्ड, बैंक लोन ऑलरेडी $80,000 ऑब्टेंड इन 2019, ये तो भूल गया मैं कि याद आ गई कि 2000 आपने बैंक लोन भी लिया हुआ है, तो इसका मतलब है फंड तो आपके पास है ही नहीं प्रॉपर तरीके से, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर प्रीवियस ईयर्स की रिटेन्ड अर्निंग्स देते हैं, लेकिन कैश तो नहीं है आपके पास, तो रिटेन्ड अर्निंग तो जैसे हम बात करते हुए आ रहे हैं कि वो तो फिर इनकम स्टेटमेंट से ड्राइव होती है जो एक्रूवल बेसिस के ऊपर बन रही होती है, तो फंड की पोजीशन तो ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लिया हुआ है और बैंक लोन लिया हुआ है, इफ़ PLC डजंट इवन अर्न गुड प्रॉफिट इन 2020 पेइंग आउट कैश डिविडेंड विल फर्दर रिड्यूस द लिक्विडिटी, इसका मकसद है अगर डिविडेंड देंगे पैसा ये कमा नहीं रही है तो फिर फर्दर रिड्यूस द लिक्विडिटी, आपकी लाइबिलिटी पे करने की जो एबिलिटी है वो और कम हो जाएगी, कैश पे बोनस शेयर्स कैन पे बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड, के बोनस शेयर्स इशू कर दें, ये सही है, चलें बोनस शेयर्स तो ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप प्रॉफिट डिविडेंड जो देते हैं वो शेयर्स की सूरत में देते हैं, तो देट इज़ द राइट ऑप्शन इस कंडीशन के अंदर, तो इसमें रिकमेंडेशन ये है कि इनको कैश डिविडेंड जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की पोजिशन ये परमिट नहीं करती कि आप जो है इस कंडीशन के अंदर डिविडेंड दें, और वो भी कैश की सूरत में, तो ये आपने देखा कि हमने इस सवाल को करा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें बड़े इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें थी जो आपने सीखी होंगी होपफुली, तो लेट्स सी यहाँ हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।